तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं मैं सुबह सुबह उठ के नहा भी ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब देख रहे हैं सूरज अभी निकल गया है। तो आपके लिए कुछ, आप सबके लिए क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? आप सब कॉमेंट कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना बुक सब ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं निकलूँगी लाइब्रेरी के लिए। और मैं लाइब्रेरी जाती हूँ 6 घंटे के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो यहाँ पे निकल चुकी हूँ मैं लाइब्रेरी के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ और मैं अपना बुक सब निकाल रही हूँ। और मैं अपना पहला स्लॉट स्टार्ट कर दूँगी स्टडी का। तो बने रहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहला जो स्लॉट ली हूँ वो प्रियम प्रस्थित की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना पहला स्लॉट जो कंप्लीट कर, देख सकते हैं मैं आई हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं थक चुकी थी और सनी भी आने लगा था, क्योंकि मैं चाय पीने के लिए आई थी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे सेकंड स्लॉट पे स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और हाँ, अगर आप सबको मेरे ब्लॉग में कोई भी कमी दिखे या मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपना सेकेंड स्लॉट पे कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ आंसर राइटिंग करने के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना आंसर राइटिंग भी कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ क्यूज का होमवर्क करने के लिए। देख सकते हैं मेरा क्यूज का होमवर्क कंप्लीट होने वाला है। और इसी बीच में मैं अपना करंट अफेयर्स का क्लास भी की थी ऑनलाइन। और अब मैं निकल रही हूँ रूम पर के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी से रूम पर। काफ़ी ज़्यादा धूप है। मैं अपने रूम पे पहुँच चुकी हूँ। तो देख रहे हैं मैं जा रही हूँ अभी क्यूज। काफ़ी ज़्यादा धूप है और मैं आँख नहीं खोल पाती रहती धूप में, इसलिए मैं चश्मा भी पहनती रहती हूँ, लेकिन अभी नहीं पहन रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मतलब पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा था वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और मैं UPSC की तैयारी 3 साल से कर रही हूँ। मैं जब 12th पास की थी तभी से मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। और मैं 2025 में अटैम्प्ट दूँगी UPSC का, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा। तो देख सकते हैं अभी मैं क्यूज से निकल गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो अभी मैं होम ट्यूशन पढ़ा के जा रही हूँ घर पे, यानी कि रूम पे। देख सकते हैं दोस्तों, अभी अंधेरा हो गया है और मैं अभी रूम पे पहुंची हूँ।
दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपना ऑप्शनल का क्लास करने के लिए। वैसे मैं बता दूँ, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और मैं हिंदी साहित्य का क्लास करती हूँ शाम को, और 3 घंटा का क्लास हो ही जाता है। और उसमें मेरा हिंदी साहित्य है और मेरा ऑनर्स भी हिंदी ही था, जो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गया है, लास्ट ईयर का चल रहा था, कल ख़त्म हो गया है। तो जा रही हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं इसी फ़ोन से करती हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना ऑप्शनल का क्लास ख़त्म करके उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि इतना पूरे दिन के थकान हो जाता है ना, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, 11:30 बजे तक सो जाती हूँ। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।